नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी बबलू के साथ मैं इस समय मौजूद हूं। आज ही जिस जगह का उद्घाटन हुआ है उस जगह के बारे में मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक शिलान्यास एवं भूमि पूजन का बोर्ड देखिए। यहाँ पर रीवा विधायक उस समय के मंत्री उद्योग वाणिज्य खनिज राजेंद्र शुक्ल ने इस जगह का उद्घाटन किया था। जी हाँ, इसी जगह पर उन्होंने इस पुल का उद्घाटन किया था। यहाँ पर एक पुल बनना था जबलपुर से लेकर बनारस जाने वाले मेन मार्ग पर इस पुल का निर्माण किया गया है। यह पुल नए बस स्टैंड के पास निर्मित है। मैं आपको बताऊं, 4 अक्टूबर 1918 को इस पुल का उद्घाटन किया गया था और आज इस पुल का विधिवत जिस तरीके से विधिवत यहां पर आज उसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया। हालांकि वो रीवा जो जरूर नहीं आए, उन्होंने उद्घाटन भोपाल से ही किया। उनके साथ मौजूद थे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम। 15 जून 21, जिस तरीके से आप यहां पर दिए जलते देख पा रहे होंगे वो इस बात का परिचायक हैं। इस पुल का उद्घाटन अभी बस चंद लम्हों पहले हुआ है। 43.5 करोड़ से ज़्यादा की लागत का यह पुल उद्घाटित हो गया है। अब ये आम आदमी के लिए खोल दिया गया है। मैं आपको दिखाऊं, इस पुल पर चल के सीधे जिस तरीके से इस पुल को बनाया गया, उस पुल के बारे में मैं आपको ले चलता हूं और आगे भी दिखाऊंगा ये पुल कहां पर ख़त्म होता है और इस पुल की क्या क्या खासियतें हैं। हम लगभग पुल के बीचों बीच आ पहुँचे। रीवा शहर में पहली बार कहने के लिए तो ये दूसरा पुल है, तीसरा पुल अभी नवनिर्मित है। इस पुल की एक खास बात यहाँ पर है, इसको ट्रायंगल बना के एक और इस तरीके से जोड़ दिया गया। मैं आपको चंद कदम लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पर से जिस तरीके से हम आ रहे थे और इस रास्ते से शहडोल जाने वालों के लिए आवागमन खोला जाएगा। हालांकि ये शहर को भी जोड़ता है लेकिन शहडोल जाने वाले मार्ग को भी ये जोड़ेगा। जिस तरीके से अभी यहाँ पर लाइट का काम आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय देख भी पा रहे होंगे, लाइट का काम, हालांकि पुल का उद्घाटन कर दिया गया लेकिन अभी लाइट का काम चालू है। उसके साथ साथ यहाँ पर जिस तरीके से और भी बहुत सारी हल्की फुल्की जो भी कमियाँ थी उसको दूर करने के लिए प्रशासन लगातार लगा हुआ। सबसे खास बात, ट्रायंगल पे इस पुल को बनाया गया। अब मैं आपको आगे की ओर भी ले चलूँगा और दिखाऊँगा यह छोर किस कहाँ पर ख़त्म होता है और वहाँ पर की क्या खासियतें। नवनिर्मित पुल के एक छोर से हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया था, हम दूसरे छोर पर आ पहुँचे। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय जो दृश्य देख पा रहे होंगे ये सीधे आगे जाके RTO ऑफिस से होता हुआ इलाहाबाद रोड को बाईपास से जोड़ता है। मैं आपको बताऊं, बनारस नागपुर मार्ग में यह पुल नए बस स्टैंड के पास समान किराए पर फ्लाईओवर के नाम से बनाया गया है। साथ ही इस पुल की और भी कुछ खासियतें हैं। ये इस पुल में 41 स्पान है, 15 मीटर के 41 स्पान है, 22 मीटर के 29 स्पान है, 30 मीटर का एक स्पान है, 15 मीटर के 4 सेल बॉक्स यूनिट, पहुंच मार्ग 190.3 मीटर है। माना जा सकता है 43.5 करोड़ से ज़्यादा की लागत से यह पुल अपने आप में रीवा शहर के लिए एक बड़ी सौगात है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जैसे देख पा रहे होंगे लगातार पुल के उद्घाटन के बस चंद ही लम्हे हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर से आवागमन लगातार जारी है, उससे कहा जा सकता है यह पुल जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था उस उद्देश्य को पूर्ण करने में लगभग सफल होता दिखाई दे रहा है।